तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौ। थाना कोतवाली के अंतर्गत दो बस एजेंसी के बीच बस संचालन को लेकर मारपीट की गई, जिसमें एक महिला बस एजेंसी मालिक एवं उसके साथियों द्वारा समय बस सर्विस की एक बस जो सवारी भरकर मौदहा से भिवाड़ी जा रही थी और यह इटावा हाईवे साईं मंदिर के पास एक महिला बस एजेंसी व उसके साथियों द्वारा रोककर मारपीट की गई एवं पथराव कर बस के शीशे तोड़ डाले। वहीं बस के ड्राइवर कंडक्टर ने बताया 6 से 8 लोग दो कार से आए और बस के आगे कार लगाकर बस रुकवा ली और मारपीट कर नकदी व मोबाइल फोन छीनने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल की। सीओ सिटी सुरेंद्र नाथ ने बताया कि तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मेरा नाम अमित है, मैं सोनीपत रैना का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई? हमारी बस मोदा से भिवाड़ी जा रही थी जी। और रिया के पास में आते ही वहाँ से हमने दो सवारी उठाई, उसके बाद ये साई मंदिर के पास दो जिप्सी आगे गाड़ी को रोकने लगे, उन्होंने ईंट दिखाकर गाड़ी रुकवाई। आते ही हमारे कंडक्टर को बाहर खींचा और उसको थप्पड़ मारने लगे और उससे पैसे पूसे सब छीन लिए, फिर ड्राइवर को भी मारा। कितने लोग थे तकरीबन उसमें? 8 से 9 लोग थे। दो गाड़ियों से आए थे। हाँ जी। ये कै बजे घटना है? ये रात को 11:30 से 11:30 के बीच की घटना है। मौके पुलिस को सूचना दी? मौके को पुलिस को सूचना दी थी, उनके जाने के बाद पुलिस आई थी। एक पुलिस की बाइक उनको पीछे भी गई थी पर वो हाथ में नहीं आए उनके। क्या क्या सामान ले गए? वो यहाँ से 3-4 फोन ले गए हैं, फोन दो सवारी के भी थे और बाकी हमारे कंडक्टर साहब से नकदी थी, जितने भी आने जाने की सारी ले गए। आपका रजन सिंह, क्या मामला हो गया था? हम मौदार से चढ़ के भिवाड़ी राजस्थान जा रहे थे, एक सफारी गाड़ी साईं मंदिर के पास आगे लगा दी गाड़ी के। हमने पूछा कहाँ जाओगे तो उन्होंने हमें पकड़ के उतार लिया और हमारे चक्कू लगा दी, तमंचा भी लगा दिया उन्होंने। तमंचा लगाने के बाद में जेब में 40,000 रुपये थे वो निकाल लिया, हम लोगों को मारा, मेरे ड्राइवर साहब को भी मारा। और क्या ले? और गाड़ी के कांच फोड़ दिए, 3 मोबाइल ले गए, एक ड्राइवर साहब का था, एक कंपनी का था और एक सवारी का मोबाइल। क्या मामला दर्ज कर लिया गया है? मामला दर्ज हो रहा है तो अभी नहीं किया। एप्लीकेशन दे दिया। सवारियों से भी कुछ ले गए? सवारियों से भी कुछ ले गए? मोबाइल ले गए सवारियों से। कितने लोग थे टोटल? 8 लोग थे। 8 लोग किस काहे से आए थे? वो लोग सफारी थी, एक बरना कार थी। बीती रात करीब 12 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि दो बस संचालकों के बीच आपस में विवाद में एक बस को साईं मंदिर के पास रोककर मारपीट की घटना कारित की गई। तत्काल पुलिस, कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो बस कंडक्टर द्वारा ये बताया गया कि साहब हमारा मोबाइल और पैसे से भरा बैग भी छीन लिया गया है। बस के ड्राइवर विशाल द्विवेदी इससे तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बस ड्राइवर की पहचान बस ड्राइवर के द्वारा जो मारपीट करने वाले थे उनमें दो की पहचान की गई है, जिसमें एक सागर भदौरिया उर्फ लाली नामक महिला है, दूसरा मनीष कटियार है तथा अन्य 5-6 लोगों का भी जिक्र उसने किया है। छानबीन की जा रही है और अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।